हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो बीम जंक्शन, बीम और कॉलम का जंक्शन से रिलेटेड है। क्या क्या चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। यहाँ पर जनरली क्रैक्स बहुत होते हैं, तो उस क्रैक से क्या प्रिकॉशन लेंगे कि क्रैक्स नहीं है वहाँ पर, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, क्लियर है। और फिर उसके बाद बीम का डिटेलिंग, बीम के बारे में बताएंगे, बीम में क्या रेनफोर्समेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ठीक है, क्लियर है। और वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर फ्रेशर हो या नहीं भी हो तो ये वीडियो देखना, क्योंकि जनरली कुछ मिस्टेक्स होते रहते हैं साइट पर। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, डेवलपमेंट लेंथ करेक्ट वे में दिया है कि नहीं। 90 में पूरा डेवलपमेंट लेंथ एकदम 90 डिग्री पे होता है, करेक्ट, क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपको यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ की, कि डेवलपमेंट लेंथ जो LD बोला जाता है वो कहाँ से लेते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि कॉलम का तो साइज़ अपने को पता है ही, तो ये कॉलम का साइज़ हो गया और इसके नीचे हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ, तो ये गलत है, ठीक है। जो डेवलपमेंट लेंथ होता है हमारा, वो होता है हमारा ये जो कॉलम का आउटर फेस नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पर फिंगर है वहाँ से लेकर यहाँ से जो डाउन जो जा रहा है 90, वहाँ तक हमारा क्या होगा LD, ठीक है। और आप कोई भी अगर किसी भी बीम का या कॉलम का डिटेलिंग का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे बॉक्स में बना के या फिर नोट में लिखा होगा कि LD इज इक्वल टू 50D, 58D, 48D, एज़ पर द डिज़ाइन, जो डिज़ाइन में बोल रहा होगा वैसा आपको क्या करना है, लेना है, क्लियर है। इसमें एक दो चीज़ नोटिस करना है आपको डेवलपमेंट लेंथ में, कि आपका करेक्ट वे में जा रहा है कि नहीं। क्या है, कॉलम जहाँ पे बीम और कॉलम का जंक्शन होता है वहाँ पर एक चीज़ जहन में रखना है कि कॉलम का बाहर ना चले जाए। जैसे कि ये कॉलम है, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एकदम कॉलम के एकदम सटे हुए होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेनली क्रैक्स बहुत होते हैं, ठीक है। और फिर बीम और जंक्शन, कॉलम के जंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे कि एक ध्यान आपको रखना है जब कास्टिंग करना है, RCC वर्क होगा जब, तो इसमें क्या वाइब्रेटर प्रॉपर वे में वाइब्रेटर आपको चलाना ही होगा, ठीक है। तो वाइब्रेटर इस वजह से चलाना है क्योंकि जितने भी वॉइड्स हैं हमारे वो क्या हो, ख़त्म हो जाए, ठीक है, वॉइड्स ख़त्म हो जाए, कोई वॉइड्स ना हो, क्लियर है। फिर उसके बाद जब कॉन्क्रीटिंग हो जाए हमारा पूरा इस सरफेस का, तो फिर क्यूरिंग जो करें, क्यूरिंग का जो प्रोसेस हो वो एकदम सही हो, क्यूरिंग प्रॉपर, इसको क्यूरिंग दें, ठीक है। और एक दो चीज़ और आपको जहन में रखना है, आप देखे होंगे इसमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट बहुत यूज़ होता है, तो बार टू बार सही से स्पेसिंग भी होना चाहिए, कहीं पर यहाँ पर ओवरलैप नहीं दिया जाता। मेन चीज़ आपको याद रखना है कि बीम के जंक्शन पे यहाँ पर ओवरलैप प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, ओवरलैप आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब बताते हैं आपको, एक चीज़ और बता रहे थे कि ओवरलैप नहीं दे सकते हैं, वो हो गया, ठीक है, ओवरलैप हो गया। सेकंड हो गया हमारा आपको क्यूरिंग, प्रॉपर क्यूरिंग करना है, क्लियर है। थर्ड हो गया जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो कॉलम से एकदम सटे हुए रहेगा प्रॉपर वे में, क्लियर है। और फिर आपको यहाँ पर जो बार टू बार स्पेसिंग है वो करेक्ट चेक करते रहना है कि सही से है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाटर सीमेंट जो रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो एज़ पर द मिक्स डिज़ाइन जो है वही होना चाहिए, करेक्ट वे में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीम और कॉलम के जंक्शन के बारे में, इस वजह से बताया आपको क्योंकि यहीं पर जनरली जो
क्रैक्स आते हैं वो यहीं पर आते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से भी हमारा, सॉरी यहाँ से भी हमारा बीम आ रहा है, ठीक है, इसका भी डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से नीचे आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार जो जा रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ पर इसने क्या किया है, इसको नीचे डाउन ही नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर एलडी ही नहीं है, तो यहाँ पर ये इसने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ आपको साइट पे जहन में रखना है, क्लियर है, प्रॉपर एलडी देना है यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा बार भी दे रहे हों तब पर भी हमको डेवलपमेंट लेंथ देना ही देना है, तो ये मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है, क्लियर है। और इसमें जो हमारा इनिशियली जो स्टर्प्स का जो स्पेसिंग होता है वो कम होता है इस वजह से, क्योंकि जनरली शेयर फोर्स जो होता है हमारा उसको क्या करता है रोकने के लिए स्टार्टिंग में, और एक्स्ट्रा बार भी जो प्रोवाइड करते हैं उसको प्रिवेंट रोकने के लिए हम लोग ये स्टर्प्स को भी कम कम स्पेसिंग में लगाते हैं, क्लियर। फिर आपको बताते हैं इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, बीम का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आपको बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताते हैं हम रेनफोर्समेंट के बारे में, क्लियर है। आप एक बार ये देख सकते हो टॉप में हमारा 1 2 3, क्लियर है, और फिर ये भी है हमारा और ये भी है, क्लियर है। फिर ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बीम का जो डिटेलिंग बता रहे हैं आपको, टॉप रेनफोर्समेंट हमारा 3 बार चॉप टॉप से जा रहा है, बॉटम से भी 3 बार है, एक्स्ट्रा बार है 1 और 2, क्लियर है। तो फिर आपको वीडियो में और क्लियर बता देते हैं आगे चल के, यहाँ पर जो स्पेसिंग भी है वो करेक्ट है, मिनिमम 75 से लेकर 100 mm तक इनिशियली स्पेसिंग रहता है, फिर उसके बाद स्पेसिंग बढ़ते रहता है, क्लियर है। हुक प्रॉपर होना चाहिए, 135 डिग्री में प्रॉपर हुक मुड़ना चाहिए हमारा, क्लियर है, हुक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा जो लेंथ निकल रहा है स्टर्प्स का वो कितना होना चाहिए, 10D, 10 × डायामीटर ऑफ जो डाया ऑफ बार यूज़ हो रहा है स्टर्प्स में, 10 × 8, जैसे 8 mm का यूज़ रहता है, 80 mm से ज़्यादा हमारा नहीं निकला हुआ होना चाहिए, क्लियर है। अब बात करते हैं आपको, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने कि टॉप में जो हमारा वहाँ से टॉप में 3 बार जा रहा था, बॉटम में भी 3 बार जा रहा था और एक्स्ट्रा बार 3 था, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा बार ख़त्म हो गया और 2 साइड में भी था एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो हमारा जो बॉटम में 3 रेनफोर्समेंट जा रहा है वो हमारा कंटिन्यू है, क्या होता है ब्रेकेज हो जाता है, आपको डिटेलिंग में दे देगा कि इतना से ये कॉलम के बीच में जो हमारा रेनफोर्समेंट जाएगा वो 1000 तक 2 बार सोलह का जाएगा, क्लियर है, कोई 1300 जाएगा, कोई कंटिन्यू लिख देगा कि 3 डाया ऑफ 16 कंटिन्यू है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको बीम के डिटेलिंग में होगा, इस पे भी वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और एक दो चीज़ और देखना है आपको कि कवर सही से मिल रहा है कि नहीं, कवर प्रोवाइड हुआ है कि नहीं, कवर ब्लॉक सही से लगा नहीं है, बॉटम में आप जहाँ देख रहे होगे कवर ब्लॉक कहीं पर भी नहीं लगा है, तो कवर ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि क्या होता है हमारा जो बीम जो होता है उसको अपलिफ्ट करता है, इस वजह से, क्योंकि अगर जब शटरिंग हटेगा तो वहाँ पे क्या होगा हमारा पूरा रेनफोर्समेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है हमारा कोरोजन लग के पूरा हमारा रेनफोर्समेंट ख़राब हो सकता है, ठीक है। इस वजह से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जो बीम प्रोवाइड करते हैं वो 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 2 साइड्स में, एक बॉटम में, टॉप में तो रहता ही है हमारा, ठीक है, साइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और शटरिंग ज़रूर चेक करते हैं, ठीक है, ये देख लो आप शटरिंग कैसा है, ठीक है, शटरिंग भी बहुत ज़रूरी है चेक करने का, नहीं तो क्या होगा
हमारा बीम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। शटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, शटरिंग में ऑयलिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो होपफुली मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।